जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भैया जीतेगा। रायपुर ग्रामीण का विधायक कैसा हो, भैया जैसा हो। रायपुर ग्रामीण का विधायक कैसा हो, भैया जैसा हो। मनोज भैया, ये अभी मैं पूरा भ्रमण कर रहा था, ये समस्या एकदम नोटिस कर रहा था मैं, ठीक है। ये हमारे मन के आधुनिक जीवन शैली के अंग नहीं है, इला ना बहुत मजबूती के साथ अच्छा के साथ है ना, मतलब आधुनिक जीवन शैली जीना है। और ये ना कट्टर आदमी ना, ये गलत आदमी है, 40 साल से बाप बेटा जो है ना यही कर ली, ठीक है। अब परिवार वाला भी बदलना है और नेतृत्व भी बदलना है, ठीक है। अब एक जन तो बाहरी है, बोला कोई मतलब नहीं, बोला सिर्फ ना ऑफिस में जाकर बैठना है, जीत जाता और बस टीवी मोबाइल में मुंह फाड़ के आना है, ठीक है। लेकिन ये स्थानीय व्यवस्था ला हम मिलजुल के सुधार को, ठीक है। ये पानी अवश्य एक बार मौका दो, आपके बेटा अच्छा बन के आपकी सेवा करेंगे, ठीक है काका। कर रहे हैं आज हम उन्हीं से जानेंगे, उनसे मिलकर क्या रिस्पांस मिल रहा है। मनोज भाई, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जो है उब चुके हैं, जो अभी तक जो यहाँ जनप्रतिनिधि बने हैं और सेवा जो किए हैं उनसे उब चुके हैं पूल, बिल्कुल मैंने भी महसूस किया है कि इस क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में ना तो ढंग से स्कूल है, ना कॉलेज है, और जो लोग जी रहे हैं बसे हैं वहाँ ना तो नाली ढंग से है, ना सफाई ढंग से है। और अंदर में मैं देखा हूँ कि आज भी जो है यूँ कहें कि रायपुर जो बाहर से जो दिख रहा है स्मार्ट सिटी, लेकिन अंदर से ना आज भी खोखला है, और उसको हमको बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा, बहुत कहना चाहिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आप आगे आइए और हम जो है आपको मौका देंगे और इस क्षेत्र को बदलेंगे अच्छे से। किन किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, युवाओं में क्या विशेष कर है? देखिए, युवाओं का जो मुद्दा है वो तो पूरा प्रदेश स्तर का मुद्दा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में अभी 15 से 20 लाख युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, और सरकार जो है पेंशन जो बेरोजगारी भत्ता के नाम से जो है ठगा जा रहा है, क्या बेरोजगारी भत्ता उनको जीवन भर देने का घोषणा किया है सरकार ने, उनको ऐसा ठगा जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता 2 साल 5 साल के बाद वो युवा जो है ना एज ऑफ बॉर्डर क्रॉस करके बेचारा हमेशा के लिए जीवन भर के लिए ना बेरोजगार हो जाता है और बिना काम का रह जाता है। तो बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा यहाँ क्षेत्रीय मुद्दा का अगर बात करें तो क्षेत्र में ना स्कूल भी ठिकाना से नहीं है बिल्कुल। हमने वो चीज़ अपने जो क्षेत्र दौरा कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि स्कूल बिल्कुल जीरो है यहाँ, और बच्चे तो ऐसे आप देख ही रहे हैं कि कैसे मतलब बच्चे जो है जीवन बसर कर रहे हैं। घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें बहुत सारे वादे उन्होंने किया है, घोषणा पत्र पर क्या कहेंगे आप बताइए, पूरा विस्तार से थोड़ा जानना चाहती। देखिए, उन लोग घोषणा पत्र में तो 70 साल लगा दिए हैं, जो घोषणा करता है वो सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाता है, वो मिस प्रिंट भी हो जाता है उसमें, तो घोषणा पत्र जुमलेबाजी है, कुछ भी उनका घोषणा से कोई मतलब नहीं है। हम तो जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं और स्थानीय समस्या को हम बचपन से समझ रहे हैं, और इन लोग के साथ जो देख रहे हैं तो हम तो बिल्कुल समझते हैं कि ये जो घोषणा पत्र उनका जुमलाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। 500 रुपये गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने की बात हो रही है, 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त में बात हो रही है कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी के 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो रही। आप किसान हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं, वास्तव में 1 एकड़ में कितने क्विंटल धान होते हैं थोड़ा बताइए, और ये बिजली बिल है, ये गैस सिलेंडर की बात हो रही है, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले मैं गृहिणों के घर में झाँकता हूँ एक बार। ये जो गैस सिलेंडर का जुमलेबाजी है, हमारा जो पहले जो था वो सही था, अभी उन्होंने ना तो इतना मतलब बढ़ा दिया है, और अभी ठगा जा रहा है कि अगर जब 1150 गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है तो वो किस बेस में ठगा जा रहा है कि मैं 500 रुपया दूंगा, तो ये जुमला के अलावा और कुछ नहीं है। और
धान खरीदी की बात हो रही है, 3100 रुपए दिया जाएगा प्लस बोनस दिया जाएगा, ये तब क्या है? देखिए धान खरीदी की बात है, 2121 क्विंटल की जो बात है और 3,3200 की बात की है। हमारी पार्टी तो उसको जो है 4,000 रुपया देने की बात कही और हम देंगे। और हमारा जो सोच है कि हम इस प्रदेश के जो कृषि प्रधान जो हमारी व्यवस्था है उसको हम विश्व स्तर की एक व्यवस्था में जो है बदलाव लाएंगे और हमारे प्रदेश का जितना भी जो खेत है उसको हम आधुनिक बनाएंगे। और इन लोग का जो 21 क्विंटल की बात है तो किस बेस से सरकार ने या तो किसी भी सर्वे नहीं करा है कि कितना क्विंटल धान उत्पादन होता है और कितना मुझे खरीदना है, ये सिर्फ मौखिक और किताब में और लोगों को ठगने के लिए जुमलेबाजी किया है। आप जगह जगह जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्या चाहते हैं लोग इस बार, ग्रामीण की मतदाता क्या चाहती है? आप थोड़ा नजदीक से जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, माता बहनों से मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं वो लोग? देखिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता तो अब की बार योगी सरकार की जो है नारा को उन लोग खुद ही पहले से बोल देते हैं, जब हम निकलते हैं तो हमको बोलने की जरूरत नहीं होता है। और बदलाव तो यहाँ के लोग एकदम मन में ठान लिया है कि इस बार बदलना है। और बदलने से मुझे लगता है और उन लोग को भी लग रहा है कि इस बार जो है बदलाव करने से बहुत अच्छे परिवर्तन होगा और अच्छे व्यक्तित्व की आगमन होगा विधानसभा में। ये थे मनोज बंजारे जी, जो ग्रामीण अंचल में आज लालपुर क्षेत्र गांव अंचल पे अपना रैली कार्यक्रम कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, माता बहनों से मिल रहे हैं, अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है कह रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज 72, मैं हूँ हरि बंधु नायक, नमस्कार। शुभकामना है, हैप्पी दिवाली। साथियों एक छोटे से बदलाव, ये हमारे हिम्मत रही से कि एक छोटे से बदलाव के मिशन में हमारे चलना है। आज हमारे पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश है और आपके रायपुर ग्रामीण क्षेत्र है, विकास के नाम से कुछ भी नहीं है। आज आदमी ऐसे ऐसे गली में देखा था ना, मना ऐसे ऐसे जीवन जिए भर मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं हुई, कुछ भी उधर प्रति कुछ भी कहना चाहिए। जो आपके विधायक हैं, आपके क्षेत्रीय जो मैं विधायक नेतृत्व तो कर रहे थे, कुछ भी काम नहीं करे। आज आप भारत के सबसे सुंदर धरती में हो और वो सुंदरता जब बदली, जब आदमी की नया सोच आई और नया सोच के साथ नया परिवर्तन आई। आप मन से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ, एक छोटे से परिवर्तन हो सकते हैं आपके बीच में, बहुत अच्छा व्यक्तित्व के व्यक्ति और सोचने वाला आपके छत्तीसगढ़िया लाल चुन किया है, जेकर से हमारे क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अमूल चूक परिवर्तन नजर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप पल्ला निवेदन करता हूँ कि एक बार मुला मौका दो, मैं जरूर कोशिश करूँ आपका कि आपके मौका जो दू वो व्यर्थ नहीं जाए, आपकी सोच व्यर्थ नहीं जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपना सादर नमन है, प्रणाम है, मुला हल चाहता था किसान छाप में मुहर लगाना है और अपन सेवा के एक मौका आपके बीच में मोल देना है। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ग्रामीण का विधायक कैसा हो, ग्रामीण का विधायक।